कैसा लगा आपको आज का प्रीव्यू स्टेटस जो गाइस बहुत ही कमाल के इंटरेस्टिंग ट्रेंडिंग टॉपिक पर आज के इस वीडियो को क्रिएट किया गया। दोस्तों ये जो सॉन्ग है अभी के टाइम पे इंस्टाग्राम पर बहुत तेजी से ट्रेंड कर रहा है। तो दोस्तों आप भी अपना फोटो या किसी का भी फोटो लगा करके इस प्रकार के वीडियो क्रिएट कर सकते हैं। सो दोस्तों इस प्रकार के वीडियो बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है अलाइट मोशन। दोस्तों ये आपको टेलीग्राम चैप देखने को मिल जाएगा मेरे एंड दोस्तों आपको एक बार विजिट कर लीजिएगा प्ले स्टोर पर, वहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर हम इस प्रकार से अपना जो अलाइट मोशन इसका होम पेज इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। और गाइस डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी जैसे 100 बिट मार्क और सेक इफेक्ट कुछ इस प्रकार से। और गाइस इस समय आपको डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएगा डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको हमारे मीडिया को डाउनलोड करने में किसी प्रकार से कोई दिक्कत होती है तो उसके नीचे मैं एक वीडियो बनाकर रखा हूँ, उस लिंक को आप देखकर बहुत ही आसानी से हमारे मेटल को आप डाउनलोड करना सीख सकते हैं। उसके बाद आपको जो अपना बीट मार के इजीली इसको ओपन कर देंगे। गाइस ओपन करने के बाद आपके सामने ये कुछ इस प्रकार के इंटरफेस देखने को मिल जाता है। सबसे पहले आपको स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाना है और प्लस पे क्लिक कर देना है एंड आपको यहाँ पर मीडिया देखने को मिलेगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी गैलरी में सारा फोटो ओपन हो जाएगा। जहाँ भी आप फोटो को रखे रहेंगे आज अपना फोटो या फिर किसी का फोटो लगाकर जब आप बनाएंगे सबसे पहले इस प्रकार से फोटो को चूज कर लीजिएगा एंड थर्ड पे क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन कर लीजिएगा। इस प्रकार से इसको सेट कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग और यहाँ पर नेक्स्ट आपका जो बीट है बीट के अकॉर्डिंग बच्चों किस प्रकार से कट कर देना है। अब यहाँ पर आप कुछ इफेक्ट हम दिए हैं आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर आपको अपना सेक इफेक्ट ओपन करना है और यहाँ पर जो अभी आपको इफेक्ट दिखाई दे रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे और इफेक्ट पे क्लिक करके इस प्रकार से थ्रेड पे क्लिक करना है, कॉपी इफेक्ट कर लेना है एंड आपको बीट मार्क ओपन कर देना है। और यहाँ पर आपको जो ये पहला फोटो आपने भी ऐड किया था इस पर क्लिक करेंगे, इस इफेक्ट को यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। ये कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा एंड आपको आगे जाना है और यहाँ पर आपको इस प्रकार के इंटरफेस देखने को मिल जाएंगे। कुछ इस प्रकार के एनिमेशन क्रिएट किए गए हैं और यहाँ पर हमने कुछ ये लेयर क्रिएट किया है। तो यहाँ पर गाइस मैं आपको तो इसका आइस ऑफ रखिएगा नहीं तो आपका डिवाइस लैग करेगा, तो इसको ऑफ रखते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो जो फोटो इस प्रकार से इन पर ब्लू कलर के मार्क किए गए हैं तो हम आपको बता दें गाइस इस प्रकार का आपको पहले फोटो क्रिएट करने के सबसे पहले आपको अपना जो गैलरी इसको ओपन कर लेना होगा जिस भी फोटो को आप करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए हम इस फोटो को ले लेते हैं और यहाँ पर हम शेयर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा पी कार्ड्स, ठीक है, आपको प्ले स्टोर पर को मिल जाएगा। यहाँ पर क्लॉप पर क्लिक करना है, इस प्रकार से इसको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर गाइस आपको स्टोरेज साइज देखने को मिल जाएगा तो अपने अकॉर्डिंग आप फोटो को एडजस्ट करके इसको सेट कर सकते हैं। फिर सही पर टिक करना है, डाउनलोड बटन पर क्लिक करके 20-25 फोटो को इस प्रकार से कर लेना है। उसके बाद आपको अपना लाइट मोशन को ओपन कर देना है और गाइस यहाँ पर आपको जो इस प्रकार के इंटरफेस दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर आपको फोटो को अटैच करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर अटैच करेंगे और कल फिर जाएंगे अटैच करने के लिए फोटो यहाँ पर इंस्टाग्राम पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। आपने जो फोटो कन्वर्ट करके रखा होगा उस फोटो को यहाँ पर आप इस तरह से ऐड कर लेंगे। अब इसको आप लास्ट में भी इनेबल करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से कर दिया। अब यहाँ पर गाइस बीच में आपको जितने ब्लू कलर के मार्क दिख रहे हैं सभी पर आप कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक आपका ये हुआ है, 6 से लेकर के 52 सेकेंड तक आपका ये वाला इफेक्ट प्रोजेक्ट क्रिएट किया गया है। तो यहाँ पर आप अटैच कर लीजिएगा। सब अटैच करने के बाद उसके आगे आप ही आपको भी ब्लू कलर के मार्क दिखेंगे लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। उससे पहले हम आप लोग को बता देगा इसका आपको सबसे पहले अपनी गैलरी को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको बैक करना है, ठीक है। अभी आपने इस प्रकार से जो भी फोटो कन्वर्ट कर रखा था इस प्रकार से स्टोरी साइज में, अभी आपको और भी जरूरत पड़ेगा फोटोज की तो आप फोटो को बहुत सारा क्रॉप करके रख लीजिए। उसके बाद आपने जो फोटो क्रॉप करके रखा होगा सिंपल इस पर क्लिक करिएगा, कलर पे क्लिक करना और यहां पर आपने जो फोटो कन्वर्ट करके रखा होगा फुल स्क्रीन वाला उसको आप प्लस पे क्लिक करके इस तरह से ऐड कर दीजिएगा तो ये फोटो इसके बैकग्राउंड में लग जाएगा। और यहाँ पर आपको जो ये ब्लू कलर के मार्क दिख रहे हैं इस पर क्लिक करना है, कर्फ पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर आपको जो भी फोटो आप लगाना चाहे आप लगा सकते हैं। तो मैं प्लस पे क्लिक कर लेता हूँ। इस प्रकार से हमने इस तरह से फोटो को अटैच कर लिया और यहाँ पर आपको आगे जाना और यहाँ पर हम आपको बता देगा इसके यहाँ पर आपका जो फोटो लगेगा वो 4.5 साइज का लगेगा। यहाँ पर हमने इस प्रकार से लीक के रखा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना जो गैलरी आपको ओपन करना होगा और इस प्रकार से हम बैक कर लेते हैं, ठीक है। आपने जो भी फोटो को बनाना होगा आपको इस प्रकार से शेयर करिएगा, क्रॉप पे क्लिक कर लेना और यहाँ पर आपको क्लिक करना इस प्रकार से सेट कर देना और यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा पोर्ट्रेट साइज, इस पर क्लिक करके इसको गैलरी में आपको सेव कर लेना। इस प्रकार से फोटो को सेव करने के बाद आपका जो बैकग्राउंड है उसको इरेज कर लेना होगा। इस प्रकार से आपको गूगल पर सर्च करके remove.pg इस प्रकार से आपको बैकग्राउंड रिमूव कर लेना होगा। फिर से आपको अपना जो लाइट मोशन है
आपको ओपन कर देना होगा। और आप देखेंगे किस प्रकार के आपको इंटरफेस दिखाई दे रहे हैं, तो आपको इस पर क्लिक करना है, कर्व पे क्लिक करना है। कम से कम दो फोटो का आपको करना होगा। तो मैं यहाँ पर गाइस पहले से यहाँ पर रिमूव करके रखा हूँ, तो इस फोटो को मैं यहाँ पर ऐड कर लूँगा। सबसे पहले मैं इस फोटो को ऐड कर लेता हूँ, इस प्रकार से देखने को मिलेगा। और आपको नीचे जो दिखाई दे रहा है इस पर भी आप कोई फोटो अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। तो यहाँ पर गाइस जो मैं सेकेंड फोटो लगाने वाला हूँ ये कुछ प्रकार से हमने इस प्रकार से रिमूव करके रखा था, तो हम यहाँ पर अटैच कर दिए। सॉरी, यहाँ पर जो ऊपर का नीचे हो गया, तो मैं जो नीचे वाला फोटो दिखाई दे रहा है मैं ऊपर में ऐड कर लेंगे, और जो ऊपर वाला फोटो है उसको हम नीचे में ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो नीचे वाला फोटो इस प्रकार से ऐड हो जाएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ प्रकार से हमारा जो फोटो है ये इस प्रकार से ऐड हो गया ऊपर में। ये कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। फिर आपको आगे जाना है, एंड फ्रेंड्स आगे जाने के बाद सिंपली प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पर जाना है, और यहाँ पर क्लिक कर जब गैलरी का सारा फोल्डर ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर आप जिस फोटो को लगाना चाहे आप लगा सकते हैं। तो मैं इस फोटो को यहाँ पर लगा लिया, और बड़े बचे उभर किस प्रकार से कट कर देंगे। और फ्रेंड्स जब आप नीचे आएंगे ना, तो यहाँ पर हमने कुछ मार करके रखे हैं, यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ना, तो आपको यहाँ पर जितने बीड दिखाई दे रहे हैं बीड के अकॉर्डिंग आपको फोटो को अटैच कर लेना है कुछ प्रकार से, जहाँ तक येलो कलर का मार्क जा रहा है। तो कुछ प्रकार से यहाँ तक है, तो हम यहाँ तक आपको क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम फोटो को अटैच कर लेंगे। एंड अब इस पर इफेक्ट कौन से लगेंगे तो वो भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको बैक कर लेना है, ठीक है, एंड बैक करने के बाद आपको सेकंड इफेक्ट में जाना है, इस इफेक्ट को छोड़ देना है, ठीक है। और जो आपका सेकंड इफेक्ट है यही फर्स्ट इफेक्ट है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और कॉपी इफेक्ट कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। और आपको बीट मार्क को ओपन कर देना होगा, और स्क्रॉल करके आपको आगे जाना है कुछ प्रकार से इस एनिमेशन के बाद। तो यहाँ पर आपने जो भी बीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर मैंने लिख के रखा एक नंबर, तो इसके ऊपर जितने भी येलो कलर के ऊपर बीट होंगे बीट के अकॉर्डिंग आपको फोटो को अटैच करना है। तो ये कुछ इस प्रकार से ये अटैच हो जाएंगे, एंड बीच में आपको सभी पर अटैच कर देना होगा, और आपका लास्ट जो भी बचेगा वहाँ पर इस इफेक्ट को पेस्ट कर देना होगा। एंड आपको आगे जाना है गाइस, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है इस प्रकार से हमने बैकग्राउंड इरेज करके लगाया हुआ है, तो आपका जो फोटो का साइज रहेगा वो रहेगा पोर्ट्रेट साइज। तो आपको फोटो को ऑलरेडी यहाँ पर कर देना होगा। तो यहाँ पर हम कलर पे क्लिक करते हैं, इस प्रकार से हम फोटो को जो भी अटैच किए थे उसी में से किसी एक फोटो को यहाँ पर अटैच कर लेंगे। तो हम इस फोटो को लगा लेते हैं, ये कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। फिर हम इस पर क्लिक करते हैं और सेकेंड फोटो जो हम लगाएंगे यही फोटो लगाएंगे, तो इस प्रकार से हम लगा लिए हैं। फिर इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करके सेकेंड हम कोई भी फोटो लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर इस फोटो को इस प्रकार से लगा लेते हैं, फोटो हमारा सॉरी टेढ़ा हो गया क्योंकि हमारा जो साइज है वो दूसरा लग चुका है, तो हम इसी फोटो को यहाँ पर अटैच कर लेते हैं। फिर इस पर क्लिक करेंगे, अपने अकॉर्डिंग आप फोटो को एडजस्ट कर लीजिएगा। अब आपको बता देगा इस नीचे जो आपका ये मार्क दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको फोटो ऐड करना है, तो फोटो ऐड कौन सा करना है, जो अभी आपने स्टोरेज साइज में लगाया था तो उस फोटो को यहाँ पर आपको लगाना है। तो ये कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही यूनिक लग रहा है। फिर आपको आगे जाना होगा, और यहाँ पर आपको कुछ ये एनिमेशन आपको क्रिएट हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आपको ब्लू कलर के मार्क दिखाई दे रहे हैं इस पर क्लिक करना है, कर्फे क्लिक कर देना, और यहाँ पर अभी जो फोटो भी कन्वर्ट के रखा होगा उसको यहाँ पर अटैच कर लेना होगा। तो यहाँ पर हम इस फोटो को अटैच कर लेते हैं इसके बैकग्राउंड के लिए, इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर जो ये ब्लू कलर के मार्क दिखाई दे रहे हैं कर्फे क्लिक करना है, इस चलाइकॉन पर क्लिक कर देना होगा, और यहाँ पर आपने अभी जो फोटो कन्वर्ट किया था इस प्रकार से इसको ऐड करना है। तो वैसे यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार के एनिमेशन के साथ आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि बहुत ही कमाल के लग रहे हैं। फिर आपको बीच में आपको आएंगे तो यहाँ पर हमने कुछ नंबर लिख के रखा है, तो ये टू नंबर इफेक्ट लगेंगे, तो वो कौन से लगेंगे, सबसे पहले हम आपको इस प्रकार से क्लिक करना है और प्लस पे क्लिक करके फोटो को अटैच कर लेना है इस प्रकार से, और बच्चे हुआ आपको इस प्रकार से कट कर देना होगा। और यहाँ पर नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है टू नंबर इफेक्ट, ठीक है, तो हम आपको वो भी दिखा देते हैं। तो बैक करके सेक इफेक्ट में आ जाते हैं और स्क्रॉल करके आपको इसको छोड़ देना है, एंड पहला इफेक्ट ये है और दूसरा इफेक्ट ये है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे, कॉपी इफेक्ट कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है, बीट मार्क ओपन कर देना इजिली, और स्क्रॉल करके आपको सिंपली आगे जाना है। एंड फ्रेंड्स हम आपको बता दें आगे जाने के बाद आपको क्या करना होगा, स्क्रॉल करके आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाता है दो नंबर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फोटो पे क्लिक करेंगे, सीफेट को पेस्ट कर देंगे। टाइम को बचाने के लिए यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि जहाँ जहाँ दो नंबर लिखा हुआ है वहाँ वहाँ आपको फोटो को अटैच करके सीफेट को इस प्रकार से इजीली पेस्ट कर देना होगा, ठीक है। और उसके बाद जहाँ जहाँ ब्लू कलर के मार्क होंगे यहाँ पर आपने जो फोटो कन्वर्ट कर रखा होगा स्टोरेज साइज में उसको यहाँ पर इस प्रकार से ऐड कर देंगे। जो भी आप फोटो आप लगाएंगे वो भी आपको देखने को मिल जाएगा, सभी फोटोज बहुत प्यारे हैं, इस प्रकार से आप अटैच कर लीजिएगा। फिर आपको स्क्रॉल करके गाइस आगे जाना है, और यहाँ पर आपको भी देखने को मिल जाएगा ब्लू करके मार्क, तो यहाँ पर भी आप अटैच कर लीजिएगा। फिर आप आगे जाएंगे तो यहाँ पर हमने कुछ नंबर मार्क करके रखे हैं, जो कि इस प्रकार से आपको तीन नंबर दिखाई दे रहे हैं। तो आपको प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है और फुल स्क्रीन कर देना होगा, और यहाँ पर आपको इफेक्ट पेस्ट करने हैं। तो बैक करके सेक इफेक्ट में आते हैं, पहले इफेक्ट को छोड़ के फर्स्ट सेकेंड और थर्ड जो आपका ये वाला इफेक्ट है
पर क्लिक करके हम कॉपी इफेक्ट कर लेते हैं और आपको बीट मार्क को ओपन कर देना होगा। और स्क्रॉल करके आगे जाते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, हमने इस प्रकार से नंबर फिक्स कर रखा है 3 नंबर। तो यहाँ पर हम फोटो पे क्लिक करेंगे, इस इफेक्ट को यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। फ्रेंड्स इतना आपको कर लेने के बाद स्क्रॉल करके आगे जाना है और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा 2 नंबर इफेक्ट, जो कि अभी हम यहाँ पर लगा चुके थे पिछले टाइम पे। तो यहाँ पर आपको एडजस्ट कर देना होगा, फिर आपको आगे जाना। तो सेम वही प्रोसेस है, यहाँ पर लिखा हुआ है आपको ब्लू कलर के मार्क दिखाई दे रहे हैं, तो इस पर क्लिक करके आपको फोटो को अटैच करना है इस प्रकार से। और ये फोटो आपका अटैच हो जाने के बाद जहाँ पर ये ब्लू कलर के मार्क दिख रहे हैं वहाँ पर आप फोटो अटैच करेंगे, एंड जहाँ पर लिखा हुआ है 2 नंबर इफेक्ट वहाँ पर आप 2 नंबर इफेक्ट को ऐड करेंगे। एंड वीडियो कम्प्लीट हो जाने के बाद इसको आपको अपने गैलरी में एक्सपोर्ट करना होगा। तो फ्रेंड्स एक्सपोर्ट करने के लिए आपको सेटिंग बार में बॉक्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर सही पर टिक करके आपको इसका एफपीएस वगैरह चेक कर लेना है और अपने गैलरी में इसको बहुत ही आसानी से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं।